हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृतिक कुमार मकवान और आप देख रहे हो के गुरु। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करें ताकि मैं जो नए वीडियो डालू तो आपको तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन आए। दोस्तों चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि फ्लाइंग कार्स, जो अभी एक नीदरलैंड कंपनी है पालवी नाम की, उन्होंने एक नई नई कार लॉन्च की है जो रोड पे भी चल सकती है दोस्तों और फ्लाइंग भी कर सकती है आकाश में। तो उसी के रिलेटेड मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बता दूं। और इसके बड़ी न्यूज ये है कि दोस्तों इसका जो प्लांट है वो इंडिया में लगने वाला है, इंडिया में भी गुजरात में लगने वाला है। दोस्तों ये थोड़ा कोविड-19 कोरोना वायरस आ गया इसलिए, नहीं तो 2021 में उसका प्लांट था यहाँ पे, उन्होंने पूरी प्लॉट भी खरीद लिया है और अभी प्लांट गिरने वाले थे पर थोड़ा सा और लेट हो जाएगा। पर कोई नहीं, मैं आपको इसका कुछ गाड़ी की स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सारा कुछ मैं आपको कितने में मिलेगी और एक किसने बनाई है और हिस्ट्री क्या है और कौन सा कंपनी ने बनाई है और कितनी सक्सेसफुल है, हम सारी बात इस वीडियो में करूंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए दोस्तों। उससे पहले इस कार का डेमो वीडियो देख लीजिए, फिर हम उसके बाद बात करते हैं इसकी कार। दोस्तों आपने वीडियो देख ही लिया होगा कैसे वो लैंडिंग कर रही है और कैसे वो हवा में जा रही है गाड़ी और कैसे चल रही है और कितने पर्सन बैठ सकते हैं। दोस्तों आप कुछ जानते हैं इस कंपनी के बारे में। दोस्तों ये कंपनी का नाम है पालवी इंटरनेशनल, पालवी इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर है, जो एयरप्लेन आते हैं वो बनाती है दोस्तों। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, रामसडोर्न स्क्वायर में नेदरलैंड में है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर। ये प्रोडक्ट आप पालवी लिबर्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसका वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाके इसका देख सकते हो और कौन से न्यू न्यू इनोवेशन कर रही है दोस्तों। दोस्तों पालवी इन्होंने नाम क्यों रखा, दोस्तों यहाँ साफ लिखा हुआ है इन्होंने कि पालवी द पर्सनल एयर एंड लैंड व्हीकल, मतलब खुद का हवा में उड़ने वाला और रोड पे चलने वाला व्हीकल है। ये डच कंपनी दैट इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइंग कार, एक पहली कंपनी है जिसने कमर्शियल फ्लाइंग कार बनाई है दोस्तों। और पालवी लिबर्टी इट्स कॉम्पैक्ट 2-person एयरक्राफ्ट दैट कैन बी ट्रेवलिंग ऑन पब्लिक रोड, मीन्स आप पब्लिक रोड में आप आराम से चला सकते हो 2-person के साथ, इसकी खासियत है। अब कुछ अपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। जैसे कैपेसिटी उसकी 2% की कैपेसिटी होगी, मास एम्प्टी 664 केसी रहेगा, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट उसका रहेगा 910 केजी, मैक्सिमम बैगेज लोड रहेगा 20 केजी, फ्यूल टाइप क्या रहेगा, फ्यूल के अलग अलग टाइप होते हैं दोस्तों, इसके पे मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्दी कि टाइप ऑफ फ्यूल, तो इसमें कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, फ्यूल यूरो 95, यूरो 98, E10 फ्यूल यूज होता है दोस्तों। फ्यूल कैपेसिटी उसकी, इसकी जो टंकी है उसका कितनी कैपेसिटी है, 100 लीटर है दोस्तों। दोस्तों अब हम जानते हैं जब फ्लाइट मोड पे रहती है वो, जब गाड़ी आकाश में चली जाती है तो उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन उन्होंने दे रखी है। जैसे इकोनॉमिक क्रूज स्पीड दे रखी है 140 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम स्पीड उसकी 180 किलोमीटर पर आवर, इंजन पावर 200 हॉर्स पावर, डायमेंशन दे रखा है लेंथ विथ इंटू हाइट 6.1 × 2 × 3.2 मीटर, रोटेटर डायमीटर 10.75 mm, मैक्सिमम एटीट्यूड उसका कितना जा सकता है 3500 मीटर दोस्तों, अच्छा है। टेक ऑफ डिस्टेंस इसका 180 मीटर ही है, लैंडिंग रोल डिस्टेंस 30 मीटर, रेंज 400 से 500 किलोमीटर, वेरी गुड। दोस्तों अभी आपने जो देखा फ्लाइट बोर्ड पे देखा, अभी आप देखोगे वो ड्राइविंग बोर्ड में, मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगी ड्राइविंग बोर्ड में 170 किलोमीटर पर आवर, वाओ।
टॉप स्पीड एक्सेलरेशन 0 से लेकर 100 किलोमीटर पर हावर 9 सेकंड में, इंजन पावर भी 100 अच्छा है, उसका डायमेंशन भी उसका 4x2x, रेंज भी 1300 किलोमीटर, बहुत अच्छा है। इसका स्पेसिफिकेशन, ड्राइविंग मोड, फ्लाइडिंग मोड और टेक्निकल। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब चैनल जरूर करें, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो डाल रखे। अगर मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियर के स्टूडेंट हो आप तो मैंने अच्छे वीडियो डाल रखे, ज़रूर आई बटन पर जाइए, क्लिक करें और देखें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।